हेलो एन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल गुप्ता आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी को ऑडियो वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है और इसी के साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम अपने थ्योरी वाले टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं और आपके क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं तो भाई जितनी भी हमने अब तक थ्योरी पढ़ी है वो सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं इसके साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी शुरू किया था जिसमें हमने एनिमल के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था इससे पहले क्लासिफिकेशन आपका करा था तो आई होप कि सभी चीजें आपको क्लियर हुई हैं गुड मॉर्निंग नमस्कार एंड आज के सेशन को शुरू करेंगे जो भी भाई बंधु नहीं आ पाए हैं उन तक क्लास को फटाफट से आप लोग भी पहुंचा देंगे शेयर कर देंगे एंड आज ना थ्योरी तो करेंगे मैम टिश्यूज वाला लेकिन उससे पहले कुछ सवालों को कवर करते हैं देखते हैं कि कितने पानी में तैयारी चल रही है और क्या कुछ चीजें हैं जहां पर अभी भी आपको लग रहा है कि हम चीजें कवर नहीं कर पा रहे हैं या कोई टॉपिक हमें अभी भी दिक्कत कर रहा है तो पहले कुछ सवालों को करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे आपके थ्योरी वाले सेक्शन को तो चलिए कि आप सभी तैयार हैं एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे आई यू ऑल रेडी एक हम सब का साइन फटाफट से भेज दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि भाई आप लोग तो तैयार है और हम भी अपने सवालों की श्रृंखला को यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं ठीक है और जिन्होंने भी अभी तक सेशन को नहीं पहुंचाया है अपने हर दोस्त यार भाई बंधु तक क्लास को पहुंचा दीजिएगा ये क्लास आपकी जैसा आप जानते हैं कि डेली सुबह बजे आपके रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर रहती है तो भाई हम तो मुलाकात आपसे करेंगे सेम सेम टाइम जगह लेकिन आप सभी तैयार हैं चलो अब बताओ आज का पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पर है वो कुछ इस प्रकार से है पूछा जा रहा है एक प्लांट जिसके पास वेस्कुलर सप्लाई है स्पोर्स बनाता है बट लैक सीड्स यानी कि उसके पास बीज नहीं है उसको आप किस ग्रुप के अंदर रखेंगे क्या इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बताओ भाई क्या होगा चलिए एक बार फटाफट से कर देंगे इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑडियो में किसी को कोई समस्या लग रही है आवाज तो ठीक आ रही है डबल तो नहीं जा रही है चलो बहुत बढ़िया पहले क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं टेरिडोफाइट्स ठीक है आपसे क्या पूछा गया है आपसे कह रहा है कि एक प्लांट है जिसके पास वेस्कुलर सप्लाई है वेस्कुलर सप्लाई किन पौधों के पास दिखाई दी थी जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भैया जाइलम और फ्लोएम उपस्थित था और उसमें सबसे पहला सबसे पहला जो था वो कौन सा था हमारा टेरिडोफाइटा था मतलब क्या बात है पहली बार में पहला क्वेश्चन जो है वो सही है ठीक है बहुत ही बढ़िया तो भैया पहला उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो सही होगा लेकिन देखिए दूसरी बात उसने कहा स्पोर्ट बनाता है उसके पास बीज नहीं है तुम्हें तो पता है कि फल फूल और बीज कहाँ बनने शुरू हुए थे मैम इन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बनने शुरू हुए थे तो ये दोनों तो आंसर वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि उसने साफ लिखा है इसके पास बीज नहीं होते हैं तो जहां शब्दों को समझ करके मतलब निकालोगे आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका वैसे ही हल हो जाएगा ठीक है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज टेरिडोफाइटा इसी को हमने एक और नाम दिया था कि इनको फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट कहते हैं ठीक है पहला उत्तक जो आया था वो इसी के पास आया था और कहीं नहीं नजर आया था ब्रायोफाइटा में देखें तो वहां पर भी आपके बीज नहीं, नहीं होते हैं है कहानी प्लांट में समस्या, यही छोटी छोटी चीजों में बनती है जहां तुम आती हुई चीजों को भी गलत कर देते हो चलो अगला सवाल देखते हैं माइग्रो का संबंध जो है वो किस संघ से है या किस जगत से है बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर जल्दी जल्दी से लगा देंगे रोहित रैंडम गेम प्ले ठीक है चलो अब जल्दी से बताओ अंकिता केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास आपकी हो चुकी है अभी बायोलॉजी चल रही है तो भैया कुछ सवालों को लगा लो और जो भी अभी तक शेयर नहीं किए हो पहुंचाए नहीं हो उन्हें पहुंचा देना कि रोज सुबह बजे मैम की क्लास तो चलती है बस आपको अपने लगातार क्लासेस में जुड़ना है और अपने सवालों को थ्योरी को हर एक पार्ट को कवर करना है ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बहुत बढ़िया लेकिन वो आंसर जो है वो आपका गलत हो जाएगा देखिए माइको होता क्या है माइको एक जीवाणु है एक सूक्ष्म जीव जिसको आप कहते हो लेकिन वो एक जीवाणु की कैटेगरी में आता है तो जितनों ने भी आंसर ए लगाया मतलब देख रहे हो बहती गंगा में हाथ धोए मैडम हमने सब थे ए तो हमने भी ए कह दिया अरे ये आता है मोनेरा जगत में मोनेरा जगत में सभी जीवाणु आते हैं और उसी में एक जीवाणु बताया था जो कि सबसे छोटा सेल है सबसे छोटी कोशिका है यानी कि स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है इसका नाम है माइकोप्लाज्मा ओवरऑल भी अगर आप बात करोगे तो माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी कोशिका के तौर पर जानी जाती है इसी को हमने एक और नाम से संबोधित किया था पी पी एल ओ बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ये सब किस में आते हैं मैम ये सब मुनेरा जगत में आते हैं मगर हम तो बहक जाते हैं हम आती हुई चीजों को गलत कर देते हैं ठीक है चलिए ध्यान रखिएगा इस बात का प्रोटेस्टा जो भी कह रहे थे ना प्रोटेस्टा के अंदर आपके अमीबा पैरामीशियम युगलीना ये सभी जीव दिखाई देते हैं प्लाजमोडियम वहां पर आएगा लेकिन बैक्टीरिया में तो मैम सारे जीवाणु आ रहे थे ना और वहीं पर हमारा ये जो सबसे छोटा सेल है वो भी नजर आ रहा था ठीक है अगला सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दर इन जिम्नोस्पर्म्स देखो ध्यान से पढ़ना इस सवाल को कह रहा है इनमें से कौन कौन सी चीज ऐसी है जो है जो जिम्नोस्पर्म्स में होती यानी कि अनुपस्थित होती है क्योंकि आपको पता है जाइलम के चार भाग पढ़ाए थे प्लांट का टिश्यू पढ़ा था कि नहीं जल्दी बताओ एक बार प्लांट के टिश्यूज में हमने पढ़ा था कि आपके जाइलम और फ्लोएम ये दोनों वैस्कुलर टिश्यूज में आते हैं यानी कि ये थोड़े से आपके स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं इसमें जाइलम के वेसल फाइबर ट्रैकिज एंड फाइबर या ये सारे ही एबसेंट होंगे कौन कौन सा भाग देखा जाएगा जल्दी से बताइए बहुत अच्छे डी ऑप्शन लगा रहे हैं यार ये कन्फ्यूजन का स्तर जो है ना वो तुम्हारा बना रहता है चलिए डी ऑप्शन लगा रहे हैं ग्लूकोस सुक्रोज, फ्रक्टोज सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स क्या पूछना चाह रहे हो ये मैं अभी आपको टॉपिक कराऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स का उसमें फिर से आप कवर कर पाओगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए जितना भी आंसर आ रहा है उसमें जाइलम वेसल्स आपको पहला ही एक ऑप्शन दिया हुआ है और याद रखना सी नहीं ये सब तो होते हैं फाइबर भी होते है, और फाइबर भी होते होते हैं हैं और वगैरह लेकिन वहां पर जाइलम के वेसल्स वाला भाग जो है ना वो उपस्थित नहीं होता है तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जो भी सी के साथ जा रहे थे वो आंसर गलत होगा वो कह रहा है कौन सा एबसेंट है कौन सा नहीं होगा सी वाला होता है प्रेजेंट नहीं पूछा उसने एबसेंट पूछा है जो होती हैं कि नहीं आई ये अनावृत बीजी में कह रहे हैं जिनके अंदर आवृत जो है बीज के ऊपर नहीं पाया जाता यानी कि बीज जो है वो नग्न होते हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती कोई सीट की कवरिंग ऊपर से दिखाई नहीं देती है ठीक है सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वो कि वहां पर ठीक हो जाएगा अगला बताइए पोरी एनिमल किंगडम में बढ़ा था पोरी फेरा होते हैं कुछ जानवर अब वो क्या कह रहा है ये आमतौर पर समुद्री हैं लेकिन मीठे पानी में भी पाए जाते हैं दूसरा कह रहा है ये आमतौर पर ताजे पानी में पाया जाता है लेकिन कुछ समुद्री हैं फिर कह रहा है केवल समुद्री होते हैं या केवल मीठे पानी में पाए जाते हैं तो आखिर कौन से पानी में मिलते हैं ये तुमसे पूछा गया है जल्दी से बताओ और जितने भी भाई बंधु यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथी वो सभी अपने नंबर्स नोट करते चलना कि ये ये क्वेश्चन गलत किया है मैडम इसको दोबारा से करूंगा और दोबारा से इसकी प्रैक्टिस कर, करनी है इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है अब देखिए जैसे आंसर ऑलवेज लगा रहे हैं ऑलवेज क्या है ना ये कह रहे हैं ऑलवेज मैराइन वाटर में रहते हैं ऐसा नहीं होता पूरी फेरा को हम नाम देते हैं स्पंज का ठीक है स्पंज कुछ मुख्य तौर पे तो देखो ये समुद्र के पानी में रहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको ताजे पानी में भी दिखाई देंगे तो ऑप्शन नंबर आप इसका ए यहाँ पर लगा देंगे जनरली दे आर मेराइन समुद्री पानी में पाए जाते हैं बट कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें ताजे पानी में भी दिखाई देते हैं फ्रेश वाटर स्पंज डेमो स्पॉन्जिया यू स्पॉन्जिया के नाम से भी जानी जाती है ठीक है सो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम बढ़िया वाला आंसर हो जाएगा सबसे सही लेकिन ये जितने भी जा रहे हैं बहक रहे हैं सब चीजें लिखवाई थी जब थ्योरी तुम्हें पढ़ाई है है ना एनिमल किंगडम में देखना एक बार ये सारा कुछ कवर कराया है पूरी फेरा सबसे पहला भाग था जहाँ कोशिकीय संगठन दिख रहा था जहाँ सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन था कोशिकाओं से मिलकर के आपके पूरे पूरे जानवर जो है वो बन रहे थे ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ एनलिडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन नेफ्रीडिया स्यूडोसिलोम या क्लाइटलम इनमें से कौन सा भाग ऐसा है जो एनलिडा संघ में नहीं आता व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ एनलिडा और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि एनलिडा का एक उदाहरण हमने अर्थवॉर्म पढ़ा था केंचुआ पढ़ा था बताइए क्या उत्तर होगा इसका लगाओ भाई जल्दी से आंसर लगाओ सी हो गया अच्छा आज तुम लोग सारे आंसर्स जो हैं वो बहकने वाले कर रहे हो जब बात आती है ना बिना रिवीजन के अचानक से टीचर सरप्राइज टेस्ट ले ले तब पता चलता है कौन कितनी तैयारी करके बैठा है कौन कितने पानी के अंदर है इसीलिए सवालों को करना बहुत ज़रूरी है दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास देखिए आप बिल्कुल कर सकते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी रेलवे के हर एक एग्जाम में क्लास आपकी हेल्पफुल रहेगी आप रेलवे में एनटीपीसी दे दो ग्रुप डी दे दो या आपका आने वाला ए एल है आर पी है सब में मदद करेगा क्योंकि मैं हर एक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी के साथ आपको प्योरी थ्योरी जो है वो यहीं यूट्यूब पर रोज सुबह ग्यारह बजे करवा रही हूँ आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए अब देख रहे हो मैंने तुम्हें हिंट भी दी है कि भैया अर्थवॉर्म है अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो सबसे खास फीचर है यानी कि इसकी पूरी बॉडी कैसे होती है ऐसे खंडन के साथ दिखाई देती है यही होता है ना मेटामेरिक विभाजन ये यहाँ पर होता है नेफ्रीडिया यहाँ पर होते हैं नेफ्रीडिया जो आपका एक उत्सर्जी अंग दिखाई दे जाएगा क्लाइटेलम की बात करूँ तो अंडे स्टोर हो करके रहते हैं लेकिन मैम स्यूडोस्यूलोम यहाँ पर नहीं होता है स्यूडोस्यूलोम कहाँ था तो वो हमने एस के अंदर पढ़ा था जो एसके हेलमिंथ में आता है ठीक है एस्कैरिस की एक विशेषता पड़ी थी कि इसका सिलोम झूठा सिलोम कहा जाता है इसीलिए इसको स्यूडो सिलोम कहते हैं सो हमारा कौन सा भाग नहीं है ये आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो आज तुम लोगों ने बिल्कुल भी लग रहा है विजन छोड़ ही दिया है क्यों भैया ऐसे कैसे काम चलेगा चलो अगला बताओ निम्न में से कौन सा एक खाद्य कवक देखने को मिल रहा है म्यूकर या राइजोपस जिसको आप खा सकते हैं वो कौन सी कवक होगी देवप्रिया थ्योरी क्लासेस इसी टाइम पर चल रही हैं और उनकी प्लेलिस्ट आपके ऐसे चैनल पर बनी हुई है आप एक बार प्ले में जाएंगे इस यूट्यूब चैनल आरकर्स गुरुकुल में तो आपको वो सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी ठीक है ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं राइजोपस नहीं सीलियम लगा रहे हैं देखो खाद्य कवक है तुम किसको खाते हो तुम खाते हो मशरूम को ही तो हम यूजुअली खाते हैं और मशरूम ही एडिबल फंगस कहलाती है और बताया था कि मशरूम का दूसरा नाम क्या होता है अगेरिकस होता है जो ब्रेड पे फंगस लग जाती है वो हमारी राइजोपस कही जाती है इसको कहते हैं ब्रेड फंगस ठीक है बेसिकली ये मोल्ड के तौर पे फफूंद के तौर पे जानी जाती है जो आपकी फफूंदन ब्रेड के ऊपर लग जाती है तो ये वाला भाग कौन सा है जो ब्रेड पे लगता है जो मशरूम आप खाते हैं उसे हम अगेरिकस का नाम देते हैं मशरूम की सब्जी बना बना कर बहुत सारे लोग जो हैं वो खाते हैं ये सुंदर सुंदर से मशरूम जो है वो तुम ले करके सब्जियां बना के बढ़िया सी खा लेते हो तो वो अगेरिकस का नाम है फफूंदन या जिसको हम कहते हैं कि खराब हो रही है कोई भी आपकी खाद्य योग्य वस्तु वो हमारी राइजोपस वाली कही जाती है क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं बिल्कुल सही सो so, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सी जो है सही हो जाएगा देखो आपको पेनिसिलिन पेनिसिलिन जो बेसिकली दवाई बनती है उसमें अगर डाउट है तो पेनिसलिन एक दवाई के तौर पर है यूजुअली उसको रोजमर्रा में सब्जी बना करके नहीं खाते हो आप या सैलड में उपयोग नहीं करते हो हालांकि आप ये कह सकते हो कि पेनिम प्रोटेटम से हमने मैम दवाई बनाई थी उसे खाते हैं बट खाद्य योग्य दे कवक डेली बेसिस पे थोड़ी खाते हो बीमारी का इलाज करने के लिए खाते हो उसको ठीक है तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो आपके नोट्स में था जो आपने लिखे थे जो आपने रेगुलर क्लासेस में बनाए थे लेकिन ध्यान ही नहीं है मैडम मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सवालों को लगाने में एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देना पहुंचा देना अपने जिन भी दोस्त यारों तक नहीं पहुंच पाई है अगला कह रहा है आपसे रेडियल सिमिट्री कहाँ पाई जाती है रेडियल सिमिट्री की बात करें जहां पर आप देखते हो बॉडी को अगर मैं किसी भी जीव की डायगेली कट करूँ तो मुझे उसमें कुछ सिमिट्रिकल फेजेस uh, जो है वो यहाँ पर दिखाई दे पाएंगे वो किसके अंदर होती है हाइट में 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 स्टारफिश स्पंज या फिर स्पाइडर के अंदर जल्दी से बताओ हाइड्रा के अंदर कह रहे हैं सिलेंड्रेटा के अंदर कह रहे हैं बिल्कुल सही लेकिन हाइड्रा से ज्यादा ना स्टारफिश जो होती है वो मुझे रेडियली दिखाई देती है यानी कि अगर मैं किसी स्टारफिश की डायग्राम को देखूं तो कुछ इस प्रकार से पांच बुझाएं दिखाई देती हैं इसको आप इजीली डायगोनली कट करोगे तो यहाँ पर सिमेट्री जो है वो आपको रेडियल वाली दिखाई देगी बाकी आर्थ्रोपोडा मुलस्का इनके अंदर होती है आपकी मेनली जैसे बायट्रल द्विपक्षीय जामिति यहाँ पर हम कहते हैं ठीक है द्विपक्षीय जामिति कहते हैं आपकी रेडियल सिमेट्री तीन जगह नजर आती है एक सीलेंट्रेटा में दूसरा टीनोफोरा नाम के संघ में और तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं इकाइनो डरमेटा और इकाइनो डरमेटा का ही एक उदाहरण आपका क्या है ये स्टारफिश नजर आ रही है जिसको कहते हैं तारा मछली ठीक है तारा मछली स्पंज पोरीफेरा में आती है कोई सिमिट्री नहीं होगी यहाँ पे और स्पाइडर जो है हम बात करें आपके इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के अंदर दिखाई देता है चलो अगला नोटोकॉर्ड डोर्सल होलो कॉर्ड और गिल्सलेट्स ये फीचर्स किसके अंदर नजर आते हैं वर्टिब्रेट्स प्रोटोजोआ मुलस्का या पोरीफेरा कहाँ कहां पर दिखाई देंगे जिन्हें हम कहते हैं ये तीन मुख्य विशेषताएं किसको दर्शाती हैं? जल्दी जल्दी से बताओ देखो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपका एसएससी का पेपर आप देने जा रहे हो तब भी यहाँ से सवाल बनते हैं आप अगर रेलवे देने जा रहे हैं तब भी सवाल बनेंगे पिछले पांच सालों से रेलवे की भर्ती जो है वो हमें नहीं देखने को मिली है लेकिन पिछला जो पैटर्न रहा है उस आधार पर देखें तो इन चैप्टर्स से सवाल आपके पूछे गए हैं बॉटनी से भी आए हैं जोलॉजी से भी आए यानी कि प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो तो हम ये सोच के नहीं जा सकते कि यार छोड़ देते हैं हो जाएगा एक दो सवाल है एक दो नंबर कोई और ले जाएगा क्या फर्क पड़ता है तुम्हें पता है एक-एक नंबर से मेरिट में कितना फर्क पड़ेगा आपके? आपका सिलेक्शन होना होना ना होना वो एक सवाल ही अगर आपको डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए तो फिर क्या करेंगे तो इसीलिए हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये मत सोचिए कि छोड़ के चला जाऊंगा इस टॉपिक को दूसरा कर लेगा नौकरी भी दूसरा ले लेगा तुम सोच लो नौकरी भी छोड़ देता हूँ क्या फर्क पड़ता है तो जहाँ गलती कर रहे हो ना ये मत सोचो बहुत हार्ड है नहीं हो पाएगा समस्या आ रही है बताइए कि मैम इस टॉपिक में हमें समस्या है हम उसको दोबारा पूरी डिटेल में दोबारा से थ्योरी कर लेंगे लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है किसी भी चीज़ पर ऐसा नहीं करके जाना है कि हमने पढ़ा ही नहीं है हमने ध्यान ही नहीं दिया है और हम छोड़ के जा रहे हैं समझ पा रहे हैं इस बात को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल सही लगा रहे हो नोटो कॉर्ड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और गिल्सलेट्स ये तीन जो विशेषताएं हैं ये किसी भी कशेरुकीय की विशेषताएं बताते हैं जितने भी हमारे कशेरुक होते हैं उनकी खास तौर पर एक रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है एक स्पाइनल कॉर्ड वहां पर बन जाती है और गलफड़े जो आपके धीरे धीरे डेवलप होते हैं लंग्स बनते हैं वो सब चीजें वहीं से शुरू होनी दिखाई देती हैं ठीक है दीपक सर की क्लास सुबह नौ बजे होती है दीपक सर की क्लास हो चुकी है माही ठीक है रोज सुबह नौ बजे सर की क्लास रहती है चलिए अगला सवाल बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सही मिलान खा रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल संवहनी प्रणाली स्पंज में होती है फ्लेम सेल फ्लैटवॉर्म में होते हैं ब्लबर कंगारू में होता है या मार्सुपियन एक प्लेटिपस के तौर पे दिखाई देता है बोलो भाई क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी से बताएं सही पूछा है सही कि कहाँ सही मिलान खा रहा है अब देखो तुमने पहला भाग पढ़ा वाटर वेस्कुलर सिस्टम मैम ये नाम ना मैंने पढ़ा तो था स्पंज के अंदर लेकिन स्पंज में क्या था वाटर कैनाल सिस्टम था पानी की नहर प्रणाली थी वहां पर समहिनी प्रणाली नहीं थी ये समहिनी प्रणाली कहाँ आ रही थी ये आ रही थी के अंदर बताया भी था आपको तो ये वाला भाग गलत हो जाएगा ब्लबर कंगारू गलत है मार्सुपियन गलत है लेकिन ये जो ज्वाला कोशिकाएं हैं जब मैंने तुम्हें लिखवाया था प्लेटी हेलमेंट की विशेषता तो वहां बताया था कि देखिए जितने भी प्ले, प्ले, प्लेटी हेलमिंद होते हैं जिन्हें हम चपटे क्रमी कहते हैं ये चपटे चप्टे से कीड़े दिखाई देते हैं आपको और इन्हीं के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये फ्लेम सेल जो देख रहे हो ना ये जो ज्वाला कोशिका होती है ये उत्सर्जी अंग कही जाती है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है इसका जहां से आप इनके बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं तो कौन सा सही मिलान खा रहा है मैम ये मिलान खा रहा है बाकी सब तो गलत है बाकी सब तो गलत है बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं चलो अगला सवाल लगाते हैं अः नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बढ़िया सा देख लेते हैं अगला सवाल है मनुष्य के पैर में जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं मनुष्य के पैर में जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं देखिए सभी टीचर्स की क्लासेस प्लेलिस्ट में हैं और है और जिनके इवेंट्स आगे शेड्यूल हैं वो क्लासेस आपको जरूर से मिल जाएंगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सबकी नोटिफिकेशन मिल जाए और एक भी क्लास आपकी मिस ना हो बाकी जिन बच्चों को लगता है प्ले हमारी अलग अलग बिखर रही है नहीं मिल रही है तो प्ले लिस्ट भी सेव करने का ऊपर ऑप्शन होता है आप वहां से जाएंगे तो सेव कर लेंगे ताकि आपको दोबारा जब भी कोई भी नई क्लास देखनी हो उसी प्ले के अंदर आप सीधे सीधे देख सकते हैं ठीक है होलो आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया होलो जितनी भी खोखली होती है ना नहीं नहीं होलो नहीं होती देखो पैर किसकी बात कर रहा है मनुष्य की बात कर रहा है तो हमारे अंदर तो सॉलिड होती है ना खोखली हड्डी थोड़ी होती है हमारे अंदर खोखली कहाँ होती है मैम खोखली होती है पक्षियों में बर्ड्स के अंदर आपको हड्डियां खोखली दिखाई देंगी खोखली हड्डी पक्षी की विशेषता है तो मनुष्य के पैर में हड्डी पाई जाती है वो ठोस होती है अंतर देखेंगे कि पक्षियों को उड़ान भरनी होती है यार पक्षियों को उड़ना होता है तो वो हड्डियों में ठोस हड्डी को लेकर के कहा वजन लेकर के उड़ेंगे नहीं उड़ पाएंगे इसीलिए उनकी हड्डी खोखली होती है खोलो होती है मनुष्य की हड्डियों के अंदर आप देख पाते हो बोन मारो की उपस्थिति होती है अस्थि मज्जा जिसको हम यहाँ पर कहते हैं क्या ये कहानी क्लियर है कि नहीं विकास हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात चल रही है थ्योरी भी पढ़ेंगे आज क्वेश्चन कर रहे हैं देख रहे हैं कितने पानी में हो तुम पोरस का मतलब छेद छेद होते हैं पूरी हड्डी के अंदर छिद्र जो है वो पाए जाते हैं अगला बताइए मनुष्य में कौन सी बीमारी हवा के माध्यम से फैल सकती है डेंगू एच आई वी एड्स ट्यूबरक्यूलोसिस या गोइटर कौन सा ऐसा रोग है जो आप कह सकते हो कि एयर बॉर्न है या, या इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर चलिए टेक्सोनॉमी पूरा वर्गीकरण होता है जहाँ हमने ये देखा कि किस जानवर को किस किंगडम में या किस जगत में रखते हैं, ठीक है और टिश्यूज तो अभी आपका चल ही रहा है जिसमें हम पूरे पूरे अलग अलग एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज को पढ़ रहे हैं बी आंसर आ रहा है टीबी आ रहा है अच्छा मुझे जल्दी से बताओ टीबी के लिए टीका कौन सा लगाया जाता है कमेंट में बताना टीबी का टीका कौन सा लगाया जाता है ट्यूबर तो उत्तर बहुत सही दे दिया आपने ट्यूबर होता है एक जीवाणु से और हवा से यह फैल भी सकता है किससे होता है जीवाणु से और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूलोसिस तो ये जिस प्रजाति से हो रहा है वो माइको की है लेकिन इसका टीका भी लगता है और कुछ कह रहे हैं डीपीटी का टीका कुछ कह रहे हैं बीसीजी का टीका तो देखिए डीपीटी लगता है ट्रिपल वैक्सीन के तौर पे डिप्थीरिया यानी कि पर्ट्यूसिस और टिटनस तीन बीमारियों के लिए लगाया जाता है लेकिन टीबी का टीका होता है बी के नाम से ये बी की वैक्सीन हम किस में देते हैं टीबी नाम के रोग में देते हैं बी की फुल फॉर्म की अगर बात करी जाए तो बेसिलस कालमेट यूरिन इसको कहा जाता है ठीक है और आप जो डीपीटी की बात कर रहे हो वो डिप्थीरिया यानी कि हुपिंग कफ पर्ट्यूसिस टिटनेस इन बीमारियों के लिए लगता है वो टीका कहा जाएगा ठीक भाई क्लियर है कि नहीं चलो तो अगले पे आ जाते हैं पोलियो का कारक जीव कौन सा है फंगस वॉम वायरस या बैक्टीरिया पोलियो किसके द्वारा फैलता है जल्दी से बताएं हमने बीमारियां पढ़ी हैं और बहुत अच्छे से पढ़ी हैं गलत मत करना ठीक है सेशन को जो भी भाई बंधु जुड़ गए हैं जिन्होंने नहीं पहुंचाया अपने हर दोस्त यार तक शेयर कर देना ताकि किसी की भी क्लास जो है वो मिस ना हो और वो भी अपने क्लासेस को यहाँ पर क्या कर पाए अटेंड कर पाए चलिए बताइए क्या उत्तर होगा सी और बी में लगा रहे हो देखो यार सी तो हो ही नहीं सकता ना किसी कीड़े से थोड़ी ना पोलियो होता है पोलियो होता है वायरस से पोलियो के वायरस को कहते हैं पोलियोमाइलिटिस वायरस या फिर नाम दिया जाता है एंटे वायरस का मतलब क्या होता है कि ये ना आंतों में जाकर संक्रमण फैलाता है कैसे आंतों में जाकर के इन्फेक्शन को फैलाता है और आंतों से ही ये आपके ब्रेन में चढ़ता है पैरालिसिस करा देता है व्यक्ति के अंदर जो बीमारी है ये पोलियो की भर्ती चली जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है तो पोलियो कहाँ से फैल रहा है एक वायरस के द्वारा पोलियो फैलता हुआ दिखाई देता है इसके दो कारक जीव

जो इजीली ब्लड को किसी से भी ले सकता है पीडीएफ फ्री फोल्डर में डलवा दीजिए ताकि फ्री नोट्स बना सके अच्छा पीडीएफ के लिए ना तुम्हें रैंकर्स गुरुकुल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे सारी पीडीएफ डेली क्लास के बाद जाती हैं आप इजीली वहाँ से डाउनलोड करके अपना एक फोल्डर अलग से फोन में बना सकते हो ठीक है आप लैपटॉप पे अपने फोन पे जहाँ पर भी आप बनाना चाहो वहां बना सकते हो अभी कितने लोग ओ आंसर दे रहे हैं देख रहे हो कितने लोग ओ आंसर दे रहे हैं तुम्हें पता है ओ वाला ना सबसे खतरनाक ब्लड ग्रुप है किसी के पास अगर कमी पड़ जाए ना तो बड़ी मुश्किल से मिलता है ओ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप की ही सबसे ज्यादा तंगी रहती है जब जगह जगह पर ब्लड डोनेट की बात आती है तो ओ तो ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं है 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 कि किसी किसी से भी भी ब्लड ले ले ये है ये डोनर डोनर बेचारा यूनिवर्सल को भी दे सकता है ये आसानी से ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है लेकिन ए बी वाला जो है ना उसे मर्जी चाहे ए से दे दो बी से दे दो ए से दे दो सबका ब्लड जो है वो ले लेता है क्यों ले लेता है मैडम क्योंकि ए बी वाले के अंदर जो आर बी सी होती है ना उसकी सतह पर कोई रोक टोक नहीं है कोई एंटीबॉडी नहीं है लेकिन दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो इस क्वेश्चन से ही दो क्वेश्चन और बन जाते हैं कि किस ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन पाए जाते हैं आप बोलोगे ए बी के पास और किसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती आप बोलेंगे AB के पास नहीं एंटीजन पाए जाते हैं सॉरी ठीक है दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं बट देयर इज नो एंटीजन जस्ट ऑपोजिट दिखाई देते हैं दोनों ये एक्सेप्टर है तो ये आपका रिसीवर कहा जाएगा रेसिपियंट कहा जाएगा ठीक है भाई तो ए बी वाला है जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना उसे कभी ब्लड की समस्या नहीं आती है चलिए ये देखो ये आरबीसी होते हैं और इनकी सरफेस पर ये कुछ ऐसे एंटीजन जो है वो लगे हुए होते हैं तो यूजुअली एंटीजन ही बताते हैं कि आपका ब्लड का ग्रुप जो है वो कौन सा देखा जाएगा मैम डेंगू का पैथोजन क्या है देखिए डेंगू के लिए नाम आता है फ्लेवी वायरस का ठीक है बाकी एडी, एडी, एडीज एजिप्टी के जो मच्छर होता है वो उसको फैलाता है और जो कह रहे हैं कि प्लस और माइनस में क्या अंतर है कि मेरा ब्लड ग्रुप तो ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है तो ओ आपका ब्लड ग्रुप होता है लेकिन प्लस और माइनस का साइन आर एच फैक्टर को दर्शाता है कि आर एच फैक्टर आपके बॉडी में है तो प्लस नहीं है तो माइनस तो ये भी याद रखना हर ब्लड ग्रुप के आगे जो हम प्लस और माइनस लगाते हैं वो आर एच फैक्टर की उपस्थिति को बताने का काम करता है अगला कह रहा है इनमें से कौन सा कॉगुलेशन में यानी कि रक्त के स्कंदन में रक्त की थक्के बनाने में मदद करता है वो कौन सा ब्लड होता है जितने भी बी ट्वेल्व लगा रहे हैं कहाँ से बी ट्वेल्व मदद करेगा और तुमने कहाँ पढ़ा क्यों भाई मैंने तो तुम्हें नहीं पढ़ाया ये विटामिन के अंदर जबकि हमने बहुत अच्छे से उस क्लास को बहुत डिटेल में किया था अरे बी नहीं काम करता बी की जगह के काम करता है के से क्लॉट याद भी करवाया था कि के वाला थक्का जमाने में मदद करेगा तो विटामिन के को ही हम नाम देते हैं आपका फाइलो अब तुम इतनी छोटी गलतियां करोगे ये नहीं सोचा था मैंने फाइलो क्यूनोन कहा मिलेगा सभी हरी सब्जी सलाद फल जितने भी हरे रंग के दिखाई देंगे ना इन सभी के अंदर होता है विटामिन के तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा मैम ए एल पी का फाउंडेशन बैच कब आएगा आर आरबी का वो आपका आ चुका है रेलवे साइंस स्पेशल का बैच जिसके अंदर हम बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन की तौर पर ही आपकी तैयारी जो है वो करवा रहे हैं आपके रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब पर तो क्लासेस चलती ही चलती हैं लेकिन आरजी विक्रमजीत ऐप है जहाँ पर आपका जो बैच है वो लाइव है और उस बैच में जुड़ करके आप हमारे साथ अपने ए एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हो ठीक है आर विक्रमजीत ऐप रेलवे साइंस स्पेशल बैच है ठीक विकास चलो अगला कह रहे हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो बताइए हैं हाइपरटेंशन हो गई है 130 सौ तीस जो है वो थोड़ा सामान्य के तर पर ही आता है लेकिन ये जो है ये आपका उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर एक भाग जो है वो सिस्टोलिक को दर्शाता है कि आपके बॉडी के अंदर रक्त क्या है जा रहा है हार्ट के अंदर भरा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है ये आपका एक सौ बीस बटासी जो है, ये आपके आपको बताता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना देखा जाएगा ठीक है समझ में आ रही है बात कि नहीं ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ब्लड प्रेशर वर्ड का मतलब ही क्या है ये अगर हम बात करेंगे तो भैया आपके रक्त के जितने भी फ्लो आपको देखने को मिलते हैं उसमें दीवार पर लगने वाला जो दबाव है उसी को हम नाम देते हैं ठीक है जो दबाव आपका ये जो ब्लड बह रहा है ना इसके अंदर ये दीवार पर दबाव लगा रहा है इसी को हमने क्या नाम दिया ब्लड का प्रेशर नाम दिया कि ब्लड ने कुछ प्रेशर लगाया कहाँ लगाया इसकी वॉल्स पर कोई धमनी होगी कोई आर्टरी होगी कोई वीन होगी कहीं तो ब्लड बह रहा है ना हमारी बॉडी में खुला हुआ तो नहीं है भाई कोई ना कोई वाहिका ही है जो लेकर के जा रही है ठीक बाकी ये हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है जब इसकी ये अवस्था होती है तो 120 ब्लड प्रेशर कहा जाता है जब ये वाली अवस्था होती है तब आप कहते हो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है हृदय हमारा कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में दिखाई दे रहा है ठीक है बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य कुमार प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो हेल्प करता है ब्लड के प्लेटलेट्स के साथ क्लॉटिंग बनाने में और हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है ठीक है चलिए भाई अगला आप देख सकते हो ये आपका यंत्र है जिससे आप क्या करते हैं अपने रक्त समूह की जांच करते हैं ये आपका स्विग मोमैनोमीटर नाम से एक यंत्र होता है ये मशीन लगा दी जाती है जहां पर पारा आपका ऊपर की तरफ जाता है और बताता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है तो यंत्र को क्या कहते हैं स्विग मोमैनोमीटर का नाम यहां पर दिया जाता है ठीक है भाई स्फिग तो ये आपकी मशीन है जो ब्लड के प्रेशर को चलो अगला सवाल बताओ बाकी भर जाएगा तो हाइपरटेंशन की समस्या आपको दिखाई देगी अगला सवाल है किसे अश्रु ग्रंथी कहा जाता है ठीक है किसे अश्रु ग्रंथी कहा जाता है

थ्योरी के साथ वक्त वक्त पर अपनी एनालिसिस करता रहता है अपने प्रैक्टिस को करता रहता है ना वही एक अच्छे तरीके से अपनी सफलता की ओर बढ़ता है कहते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बीच में अपने मॉक टेस्ट जरूर लगाइए वरना पढ़ते चले जाओगे ये प्रेशर कुकर है सब कुछ इकट्ठा तो कर लेगा लेकिन बाद में सब कुछ भुला देगा तो इसीलिए ये काम नहीं करना है ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। लैक्रिमल ग्रंथि से कहा जाता है ठीक है? अश्रु ग्रंथि कहा जाता है जो आपकी कहाँ पाई जाती है आंखों के अंदर पाई जाती है और इसी को हम अश्रु ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है पेनक्रियास जो कि आपका एक क्या है मिश्रित ग्रंथि के तौर पर भी दिखाई देती है ये आपकी अमाशय से नीचे की तरफ उपस्थित दिखाई देगी एक पत्तीनुमा आकार है और थाइराइड ग्रंथि आपके गले के अंदर पाई जाती है बटरफ्लाई शेप का ऑर्गन ये आपको दिखाई देता है जहां से मेनली हमारे हॉर्मोन्स बनते हुए नजर आते हैं ठीक है भाई क्लियर है सबको चलो रेट ऑफ हार्ट बीट इन वन मिनट कितना होगा एक मिनट में दिल के धड़कन की दर कितनी होगी जल्दी से इसको बता दो अट्ठावन देखे जाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि ब्रीदिंग रेट आपका कितना होता है ब्रीदिंग रेट कितना होता है बहत्तर ठीक है आपने कहा मैम इसका आंसर सेवेंटी टू होगा मैंने कहा ठीक है भाई ब्रीदिंग रेट बताओ एक बार कितना होगा ब्रीदिंग रेट कितना होगा श्वसन की दर जिसे कहते हैं कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसकी दर यहाँ पर कितनी देखी जाती है जल्दी जल्दी से यही तो घबराते हैं यही तो गड़बड़ करते हैं सोलह से अठारह आपने जब सांस लेना आप कोई एडल्ट की बात कर रहे हो कोई व्यसक मानव की बात कर रहे हो ऐसे मनुष्य की जो एडल्ट है तो लगभग अगर हम बात करें तो वहां पर सांस लेने की दर जिसको आप कहते हो श्वसन दर ठीक है वो आप कह सकते हैं बारह से चौदाह ब्रेथ प्रति मिनट कई जगह पर आपको ये 16 से 18 लिखा हुआ मिल जाएगा तो ऑन एन एवरेज ये ठीक होता है अगर यही किसी नए नवजात शिशु की बात करें कि भाई देखो बच्चा पैदा हुआ है अब इसके अंदर वो जो सांस ले रहा है ना इसकी दर कितनी होगी तो इकतीस ब्रेथ प्रति मिनट उसकी सांस लेने की दर है इकतीस ब्रेथ प्रति मिनट ये थोड़ी ज्यादा जो है वो यहाँ पर देखी जाती है सत्रह से अठारह भी लिखा होता है सोलह से अठारह भी लिखा होता है तो ऐसा नहीं है मैम हर जगह अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएंगे ठीक है तो उसकी ज्यादा होती है नवजात शिशु की ज्यादा होती है यह भी याद रखना बच्चे की मतलब किसी एडल्ट की कम होगी ये किसकी है ये किसी व्यसक मनुष्य की है और बाकी ये दिल के धड़कने की दर है जो बहत्तर बीट्स प्रति मिनट आपको यहाँ पर दिखाई देती है चलिए अगला बताइए और जरा मिलान करिए ये कुछ बीमारियां हैं और इनके कारक जीव हैं पहला है बैक्टीरियम फंगस प्रोटोजोआ और वायरस काला अजर ट्यूबर किलोसिस इन्फ्लुएंजा और रिंग ये चारों बीमारियां किन के होती हैं ये मिलान करके आप लोगों को यहाँ पे बताना है जल्दी से मिलान करो जल्दी जल्दी से मिलान करो देवसेना मैं बिल्कुल अभी आपको इसमें डिटेल में बताती हूँ ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा आपको ठीक है ये भी मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ अच्छा ठीक है अच्छा चीजें क्लियर हो रही है ना तो सेशन को लाइक जरूर कर देना मतलब तो बिना कंजूसी करे सेशन को जल्दी से अंगूठे वाला बटन दबा देना जितने भी आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और पहुँचा देना अपने हर दोस्त यार तक अब देखो आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सुनो यहां पे उसने बोला है बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है तो हमें पता है कि भैया फंगस क्या कराता है फंगस कराता है रिंग वोम दात खात खुजली हो गई फिर प्रोटोजोआ की बात करें तो यहाँ से बीमारी होती है काला अजर नाम की और वायरस जो है ये रोग कराता है आपका इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको आप कहते हो तो मिलान करने के बाद दो चार एक और तीन दो चार, एक और तीन, यानि हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बोलो किस किस का डी आ रहा है 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 बिल्कुल सही फंगस से होता है, जो बन जाते हैं ठीक बैक्टीरिया हमारा टीबी करा रहा था प्रोटोजोआ से काला कालाजार की समस्या हो गई थी और वायरस ने जो फ्लू की एक हाई बीमारी आप कह सकते हो थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है उसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कहते हैं तो डी ऑप्शन हमारा बढ़िया तरीके से सही हो जाएगा अगला बताइए आयोडीन की कमी से किस आयोडीन की कमी के कारण किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है उसका साइज बढ़ जाता है ठीक है ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है उसकी आकार में वृद्धि हो जाती है थायराइड एड्रीनल पिट्यूटरी या पैरोटेड जल्दी से बताओ हाँ टीबी से ही हो गया था देखो ये मैचिंग वाले अगर तुम्हें दो भी आते हैं तो तुम मिला सकते हो यूपीएससी नहीं है ये तुम्हारा नॉर्मल रेलवे और एसएससी का पेपर है यूपीएससी में चार के चार में से एक नहीं मिला पाते कि कहा होता है वो एग्जामिनर ऐसा पेपर सेट करता है यहाँ तो तुम्हारे लिए बहुत चीजें सरल है कुछ एलिमिनेशन से हो गई कुछ हमारे कॉमन सेंस से हो गई मैम लो हो गया सवाल और अगर यहाँ भी गलती कर रहे हो ना तो फिर सोचो तुम्हें क्या ही करना है कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है अभी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है थायराइड ग्रंथी में सूजन हो जाती है ये गले में पाई जाती है महिलाओं के अंदर खासतौर पर सबसे ज्यादा थायराइड की समस्या देखने को मिलती है गले पर सूजन हो जाती है कि अगर नॉर्मल हमारी ग्रंथि का साइज अगर इतना है तो यह भड़कर के फूल करके इतनी ज्यादा हो जाती है गले पर घिंगा रोग हो जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कही जाती है जो हमारे ब्रेन में उपस्थित होती है और बॉडी के सारे हॉर्मोन इसी के द्वारा स्त्रावित होते हैं इसके आदेश के बिना कोई काम नहीं होता मान लो कि ये क्या है ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है जब तक यहां से आदेश नहीं आएगा कोई काम नहीं होगा इसके बाद है पेरोटिड मुझे बताओ पेरोटिड ग्रंथि में अगर सूजन आ गई तो कौन सा रोग हो जाता है अगर इस पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है डैश रोग का कारण है स्वेलिंग आ रही है पेरोटिड ग्रंथि में जल्दी से बताएंगे कौन बना बता सकता है संदीप प्रजापति ने सबसे पहले आंसर दिया है बिल्कुल सही भैया इसे गोइट यहाँ पर मम्स कहते हैं ठीक है मम्स का रोग कहते हैं गलसुआ कहते हैं कई जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है गलसुआ रोग हो जाता है क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है ये हमारी लार ग्रंथी होती है और लार ग्रंथी में सूजन हुई है तो मम्स नामक रोग जो है वो आपको देखने को मिल जाता है मम्स या गलसुआ इसको कहते हैं कन्वर कहते हैं सब में अलग अलग नाम जो है अलग अलग भाषाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं मम्स इसको वैसे कहा जाता है ठीक है तो याद रखिएगा कि ये पेरोटेड ग्रंथी कहाँ है लार ग्रंथी है और यही हमारी सबसे ज़्यादा यह हमारे मुख्य कुछ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स को बनाती है किडनी के ऊपर उपस्थिति आपको देखने को मिल जाती है ठीक है भाई सभी को मजा आ रहा है सभी को क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट तो आ जाओ अगले सवाल पे अच्छा ये देखो तुम्हें घेंगा रोग दिख रहा है यह रहा आपका ग्वाइटर नाम का जो आपके गले पर सूजन यहाँ पर दिखाई दे रही है ठीक है ग्रोथ हार्मोन कहाँ से बनता है थायराइड, गोनाड एड्रीनल या पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन किससे स्त्रावित होता है फटाफट से बताओ कोई इनमें से ट्यूमर वायरस किस प्रकार होता है कोई बता सकता है देखिए ट्यूमर जो होता है ना वो कैंसरस सेल से भी बनता है कुछ ऐसे कोशिकाएं जिनके अंदर आपके कैंसर के सेल डेवलप हो जाते हैं वहां से भी बनता हुआ नजर आता है ट्यूमर अलग है कुछ बेनाइन ट्यूमर होते हैं कुछ मेलेग्नेंट होते हैं ये अलग अलग कहानी आपको देखने को मिलती है तो जब आपके थक्के बन जाते हैं उससे भी ट्यूमर सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया मतलब है तुमने तो आंसर दे दिया है ये करोड़ों का भैया ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन पेट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं यहां से बनता है इसी के साथ अगर ये हार्मोन ज्यादा बन जाएगा तो मैम हाइट भर, बहुत बढ़ती चली जाएगी इंसान 10 10 फुट के हो जाते हैं 12 फुट के हो जाते हैं और अगर छोटी रह जाएगी तो इंसान दो फुट का भी रह जाता है यानी कि हाइपोसिक्रेशन से बोनापन भी आपको इसमें देखने को मिलता है तो इसकी अधिकता या अगर ये कम मात्रा में बन रहा है दोनों ही हमारे लिए क्या है नुकसानदेह देखने को मिल जाती है ज्यादा बनेगा तो समस्या कम बनेगा तो व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ पाती अगला सवाल कौन सी ग्रंथी ऐसी है जो बुढ़ापे के दौरान गायब हो जाती है जल्दी से बताओ तुम बुढ़ापे आया तुम बुढ़ापा आया और ये ग्रंथी ही गायब हो गई जल्दी से बताइए बी एस एस सी की तैयारी इस बात से कर सकते हैं क्या देखिए आप क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर बात आती है आपकी थ्योरी की तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होगा हालांकि वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा बट कुछ दो चार चीजें होती हैं और चैप्टर में जो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो आप लोग अपने बेसिक थ्योरी को कवर कर सकते हो किसी भी अन्य एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो बट बाकी थोड़ा सा पार्ट जो रहता है वो आपका एडवांस होता है कि अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर में आपके क्या है उस आधार पर चीजें बदलती हैं

जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है भाई बच्चे में तो ये ग्रंथि बढ़नी शुरू होती है और बढ़ते बढ़ते जवानी तक आते आते तुम्हारे एडल्टुड तक आते आते ये मैक्सिमम हो जाती है इसीलिए कहते हैं जब हम एडल्ट अवस्था में होते हैं तब हमारे पास क्या होती है मैक्सिमम इम्यूनिटी देखने को मिलती है बुढ़ापा आया इम्यूनिटी कम बुढ़ापे में जल्दी से रोग जो है वो बॉडी पकड़ लेती है तो याद रखिएगा यही ग्रंथी है जो कि गायब हो जाती है कहाँ पाई जाती है तो चेस्ट कैविटी में पाई जाती है आपकी छाती की गुहा में पाई जाती है और एक हॉर्मोन बनाती है जिसका नाम है थाइमोसीन क्या नाम है थाइमोसीन नाम है बाकी थायराइड गले में पैराथायराइड गले के जस्ट पीछे यानी कि थायराइड के पीछे पिट्यूटरी अभी हमने बात करी थी ये आपको छोटी सी आपके ब्रेन में दिखाई देती है ठीक है भाई चलो अगला बताओ कह रहा है ब्लड प्रेशर इज द द प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ हार्ट वीन आर्टरी या सेल ये रक्तचाप दीवार की मतलब किसकी दीवार पर पूछना चाह रहा है वो आपसे डैश की दीवार पर लगा हुआ एक दबाव है यहाँ पर भरिए रक्त स्थान में क्या भरेंगे आप तभी मैं सोचूं मेरी थाइमस ग्लैंड कहाँ गायब हो गई अच्छा तुम्हारी थाइमस ग्लैंड जो है वो गायब हो गई है भाई बुढ़ापा आ गया फिर तुम पर चलो जिसकी हाईमस्ट ग्रंथि गायब है मतलब इम्यूनिटी तुम्हारी हो गई है खत्म ऑप्शन नंबर बी और सी लगा रहे हैं देखिए कुछ बीन यहाँ पर आंसर आ रहे हैं कुछ के सी आंसर आ रहे है जिनका सी है बहुत ही बढ़िया एक्चुअली में ना ब्लड का प्रेशर मैंने तुम्हें अभी एक डायग्राम भी दिखाया था कि मैम मेरे पास पाइप है मान लो सिस्टम मान लो एक पाइप है पाइप में क्या जा रहा है मैम पानी बह रहा था अब ये पानी जब इसके अंदर जा रहा है तो क्या ये नीचे और ऊपर दबाव नहीं लगाएगा क्यों भाई क्या ये नीचे और ऊपर दबाव नहीं लगाएगा लगाएगा तो किसी भी वाहिका के अंदर अगर ब्लड बह रहा है यानी कि अगर रक्त बह रहा है तो वो रक्त ऊपर नीचे दबाव लगाएगा और सबसे ज्यादा दबाव कहाँ लगता है वो हमारी धमनियों में लगता है आप ये नहीं कह सकते कि शिराओं में नहीं होता धमनी में भी होता है शिरा में भी होता है एक और रक्तवाहिका होती है जिसे केशिका कहते हैं वहां पर भी होता है ठीक है होता तीनों में है लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है धमनी में होता है तो जो हम बीपी सुनते आए हैं ना यहाँ आप नॉर्मली लिख सकते हैं ब्लड वेसल कि किसकी दीवार पे लग रहा है ब्लड वेसल यानी कि रक्तवाहिका की दीवार पर लग रहा है लेकिन जो हम मापते हैं ना वो मेनली धमनी का ही मापते हैं मेनली मापते हैं धमनी का कि मैंने लिखा 120 एक सौ बटा अस्सी ये किसका है ये धमनी के अंदर दीवार पे दबाव लग रहा है वीन की अगर बात करूंगी तो 80 बटा दस ही प्रेशर आता है प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि वो आपके अशुद्ध रक्त को लेके जाती है तो प्रेशर जो है वो बहुत कम है ये आपकी वीन का है यानी कि शिरा का है अच्छा इससे कम ना जो सबसे छोटी वाली हमारी वाहिका होती है कैपिलरी उसका देखा जाता है तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई देखो सबसे ज्यादा लग रहा है ना धमनी पे इसलिए हम बात कर रहे हैं कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्ट्रीज ये दबाव धमनी की दीवार पर लग रहा है क्या मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं जल्दी से बताएं एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन रखना जाए। अच्छा देखो सर करवा रहे हैं उसको बढ़िया से करो बाकी जितना भी बायोलॉजी का सेक्शन है एक सवाल तुम्हारे रेलवे के एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा ये मेरी आपसे वादा है मेरा प्रॉमिस है आपने डेली सुबह ग्यारह बजे जुड़ना है अपनी क्लास करनी है बस इतना काम करते चलना है कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है तो यह आंसर क्या लगाओगे धमनी लगाओगे धमनी हमारे अशुद्ध रक्त को लेके जाती है हृदय से बॉडी के पार्ट तक हार्ट से सारे बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई कराने में मदद करती है अगला सवाल कि जब आप सो जाते हैं तो बीपी कैसा हो जाता है ये सब पूछा जाता है है ना ये सब पूछा जाता है आपसे अच्छा एक चीज और सुनो अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके टिश्यूज का जो चैप्टर है हमने उसमें नर्वस टिश्यू के बारे में और एपिथेलियल यानी कि उपकला उत्तक के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था कल मैं आप लोगों को कराऊंगी जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे कि कौन कौन से उत्तक हमारी बॉडी में जोड़ करके रखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं और बताएंगे कि कौन से मांसपेशी वाले उत्तक होते हैं जिसमें आपके धारीदार स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड वॉलेंट्री और इनवॉल्ट्री वाले आते हैं तो कल हम उस थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अगला चैप्टर फिर अपना कार्बोहाइड्रेट्स का भी शुरू करेंगे ये सब चुनिंदा चैप्टर्स हैं जहाँ से सवाल आना निश्चित है कि मैम हर टॉपिक से गारंटीड हमारे दो से तीन सवाल आएंगे तो फिर छोड़ के जाना? की बात है उस टाइम पर हमें कम जो है हमारा बीपी दिखाई देता है ठीक है चलो अगला सवाल देखेंगे अच्छा अगले सवाल से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दू यहाँ पे एक सेकेंड का टाइम देना देखो भाई आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि मैम हमारे पास जो मॉक टेस्ट की सुविधा है वो हम कहा लगा सकते हैं देखिए आपकी एक एप्लीकेशन है आर जी मॉक टेस्ट ये एप्लीकेशन आप क्या करोगे डाउनलोड करोगे यहाँ पर आप लोग के मॉक टेस्ट जो है वो सभी उपलब्ध हैं आप जिस भी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हो और उनके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं एस एस सी सीजीएसएसएल सीपीओ जो लेटेस्ट पैटर्न पे आपके पी वाई क्यू कम्पलीटली आपके चल रहे हैं या आप चाहते हैं अपने रेलवे के लिए लगाना तो आपको आर जी मॉक टेस्ट की ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है आपके पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फुल लेंथ टेस्ट भी हैं आपके और कुछ सेक्शन वाइज टेस्ट भी हैं टॉपिक वाइज भी हैं ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी आरजी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर ठीक है तो ये ऐप जिसने भी डाउनलोड नहीं करी है आज ही डाउनलोड कर लेना इस पर आप लोगों को कंप्लीटेड जो भी सवाल हैं आपके ना वो यहां पर मिल जाएंगे अच्छा उसी के साथ एक सेकेंड उसी के साथ आप लोगों के लिए एक बात और बता दूं ये बैच है तुम्हारा रेलवे का साइंस स्पेशल बैच जो भी जुड़ना चाहते हैं ये रहा हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इसको आप डाउनलोड करेंगे इस एप आप पर आपका जो पूरा थ्योरी वाला पार्ट है उसमें मैं और सर दोनों ही आप लोग को करा रहे हैं पुष्पेंद्र सर भी हैं ठीक है आपके प्री प्लस मीन यानी कि रेलवे में तुम में से कितने लोग एन की तैयारी कर रहे हैं हम सब भेज देना ग्रुप डी वाले भी जो है साथ में आर है ए है हम इसका बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं एक फाउंडेशन लेवल जिसमें आप लोगों के एक एक वो सवाल कवर होंगे जो आने वाले आपके हर रेलवे एग्जाम में मदद करेंगे क्योंकि देखो भैया कैलेंडर जारी हो चुका है और धीरे धीरे करके तुम्हें समय के साथ हर एक वैकेंसी भले ही अभी देखो कम मात्रा में दे रहे हैं लेकिन मिलेंगी जरूर और मिलेंगी तो मैम हमें बढ़िया करके ना अपने थ्योरी को एक नींव जिसे कहते हैं वो मजबूत करके चलनी है मैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आपसे ये नहीं कह रही कि अगर आप नहीं चाहते हैं या चाहते हैं जो आपकी इच्छा है आप उस हिसाब से करिएगा लेकिन अपनी नींव को मजबूत जरूर कर लेना अपने सीक्वेंस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप अपनी तैयारी को यहाँ पर हमारे साथ सीरियस होकर कर सकते हैं कोई इधर उधर की की फालतू बात नहीं सिर्फ अपने प्रैक्टिस शीट्स आपको दी जाएंगी आपके टेस्ट होंगे और साथ साथ में आप थियोरी की थ्योरी की की सब कुछ आपको टाइम मिल जाएगी तो ये बैच है जिसके अंदर हम पूरी दो साल की वैलिडिटी आपके पास रहेगी कोई डाउट रहता है तो ये हेल्पलाइन नंबर है बात कर लेंगे कॉल कर लेंगे समस्या जो भी लगे आप इसमें पूछ सकते हो ऑल राइट सिलेक्शन लेकर रहेंगे इस बार कितने लोग चाहते हैं कि मैम इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए भाई पांच साल बाद भर्ती आई है मैं तो यही कहूंगी जो भी आज मेरी आवाज यहां सुनी

और देखो ये कॉम्बो स्पेशल भी अगर मैथ्स रीजनिंग भी चाहते हो मतलब मैं तो आपको सजेस्ट यही वाला बैच करूंगी कि साइंस के अलावा तुम्हें लग रहा है ना मैथ्स भी चाहिए रीजनिंग भी चाहिए और पूरा कंप्लीट हमारे पास जी होना चाहिए तो ये बैच बेस्ट टू बेस्ट रहेगा आपके आदित्य सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं विक्रमजीत सर रीजनिंग करा रहे हैं इंग्लिश में प्रशांत सर हैं और शिवान सर दीपक सर मैं पुष्पेंद्र सर सभी टीचर्स बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए कॉन्टेंट लेकर के आएंगे तो आप लोग हमारे साथ इस कॉम्बो बैच में भी जुड़ सकते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में मदद करेगा एक नहीं दो नहीं मैडम हर एग्जाम में हमारी मदद करेगा ठीक है अब ये अगला सवाल है आपका जो पूछ रहा है कि भैया बीपी मापना है तो किस यंत्र के द्वारा मापेंगे उस यंत्र का नाम यहाँ पर क्या होगा एप्लीकेशन पर आपकी क्लास कितने बजे से होती है हर सुबह नौ बजे सुबह नौ से दस आपकी क्लास एप्लीकेशन पर रहती है ठीक है सिलेक्शन लेकर रहूंगा और फर्स्ट नहीं नहीं देखो सैलरी वैलरी कुछ नहीं चाहिए बस तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए एक यही चीज़ एक यही दुआ एक यही उम्मीद रहेगी हमेशा ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक अपनी मंजिल तक पहुँचे चाहे तुम्हारे लिए कोई प्रोटेस्ट करना पड़ जाए चाहे तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से तुम्हें तैयारी करानी हो मतलब जिस हद तक जाना होगा सिर्फ वो तुम्हारी तैयारी के लिए हर चीज़ अवेलेबल रहेगी

जरूर से बताएंगे कि आपको इसका सही आंसर क्या लगा है अच्छा जितनों को भी पसंद आई है चीजें लाइक जरूर कर देना सेशन को कि क्लास खत्म हो उससे पहले लाइक वाला बटन जरूर से दबा दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि कल सुबह ग्यारह बजे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे ना टिश्यू का पार्ट टू जिसमें हम कनेक्टिव और आपके मस्कुलर टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है कल तो उसको जरूर से अटेंड करिएगा कल सुबह ग्यारह बजे करते हैं आपसे मुलाकात तब तक के लिए लेंगे विदा थैंक यू सो मच